नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी जिले के बोंदकला गांव में इस वक्त हम मौजूद है और यहां पर 2019 में मनीषा सांगवान फाउंडेशन की तरफ से दक्ष पुस्तकालय का एक शुभारंभ किया गया था। आज उस दक्ष पुस्तकालय ने काफी बच्चों को रोजगार दिया है। मनीषा सांगवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने वाले हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे भी आज यहाँ उपस्थित है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने इस पुस्तकालय की शुरुआत कब की थी? ये 2019 में दादरी में प्रतिभा की कमी नहीं, पर समस्या ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है, उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो हमने सोचा, आज की समाज में सबसे ज़्यादा अहमियत पढ़ाई की है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक लाइब्रेरी खोलें जहाँ हम हर तरह की किताबें रखें, IAS की, HCS की, CGL की, ताकि बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन किताबों को, वो भी आकर पढ़ सके और आगे बढ़ सके। कम से कम 7-8 गांव और हैं जहां हमने पुस्तकालय खोले हैं। कितने बच्चों को रोजगार मिल चुका है लाइब्रेरी में? काफ़ी 20-25 तो आपने यहीं देखा कितने बच्चे थे यहां पे। जो आपने पुस्तकालय खोले हैं अभी फिलहाल की अगर बात करें तो बच्चों को कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमने इधर ना ही बिजली की समस्या है, ना ही यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, बढ़िया टेबल लगवा रखे हैं, लाइट का भी अच्छा हमने सिस्टम कर रखा है, तो कोई समस्या नहीं है। लाइटिंग भी अच्छी है, पंखे भी लगे हुए हैं, वाईफाई का कनेक्शन भी है और पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। किताबों की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की बुक्स हैं और जिनकी हमें जरूरत पड़ती है मनीषा जी से कहते हैं तो वो हमको दिला देती हैं। समय पे बुक मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो, क्या नाम है? सुमित नाम मेरा। आप भी नौकरी? नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कितने अगर आपके गांव की पुस्तकालय की बात करें, क्या फिलहाल कोई कमी तो नहीं है, जैसे पुस्तकों की हो, बिजली के समय पे आने जाने की, वाईफाई की, इस तरह से? नहीं, कोई भी कमी नहीं है, सारी फैसिलिटी है फिलहाल। सीटिंग कितनी है आपकी? 20 होगी कम से कम। कोई अव्यवस्था तो नहीं किसी तरह की? नहीं, कोई भी नहीं। कुछ और बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो नौकरी लग चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? विक्रम। आप किस विभाग में लगे हैं? मैं फॉरेस्ट विभाग। फॉरेस्ट विभाग में कितने समय तक आपने इस लाइब्रेरी में पढ़ाई की है? एक साल। कोई कमी नहीं। मनीषा सांगवान जो फाउंडेशन है, क्या वो समय पे पुस्तकें, कुर्सियाँ, इंटरनेट, बिजली का प्रबंध कर पा रही है? बिल्कुल जी। कुछ और बच्चे भी तैयारियां कर रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? एकता। एकता, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं? नहीं सर, कोई कमी नहीं। आपके लाइब्रेरी? कुछ और युवा भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं चंडीगढ़ फायरमैन सर्विस में सिलेक्शन हुआ हूँ, ये सभी मैडम की बदौलत ही हुआ है। देखो, हमारे यहाँ लाइब्रेरी का संचालन सबसे पहले मैंने ही किया था, मैंने स्टार्ट किया था, 3 साल मैंने अच्छी तरीके से संभाली है। तो हमारे यहाँ पर टोटल फिलहाल 30 के आसपास बच्चे आते हैं और नाइट शिफ्ट में मिला ले जाए तो 50 बच्चे आते हैं। दिन रात 24 घंटे खुली रहती है हमारी लाइब्रेरी, लड़कियाँ भी आती हैं। गाँव का कोई समाज व्यवस्था नहीं है, हर समाज के बच्चे आते हैं, किसी भी समाज के बच्चे के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाता, सभी बच्चे इक्वल रास्ते पर चलते हैं और अच्छी शिक्षा लेते हैं। देखो जी, हमारे पास सीटिंग बता देता हूँ आपके, हमारे पास सीटिंग भले ही कम हो, 20 की सीटिंग है, लेकिन बच्चे हमारे पास 30 भी आ जाते हैं, 35 भी हो जाते हैं, 40 भी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था बन रही है, एक प्रकार से माहौल आप दिन के अंदर आकर देखोगे तो वो कोई नज़ारे से कम नहीं होगा। बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप रात को 11 बजे आओ, दिन में आओ, किसी वक्त आओ, बच्चे की मेहनत देखोगे तो आपको वाकई लगेगा। जैसे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी आ चुके हैं हमारे यहाँ से, रोहतक से भी आए हैं और भिवानी वाले भी सर आए हैं, तो ये सब है, कुछ काबिलियत है तभी देखने आते, वरना कोई नहीं आता, ये तो पता ही होगा सर। जी, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सोनलाल है जी। आप कौन से कहा? मैं अभी फौज से रिटायर्ड हूँ जी वैसे, और अभी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ मेरा। यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद? एक साल पढ़ा हूँ जी, बहुत अच्छा लगा, अभी पढ़ते हैं बच्चे। कितना समय दिया होगा पढ़ाई पर आपने लाइब्रेरी? एक साल तक आया हूँ जी मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। कोई अव्यवस्था तो नहीं थी, जैसे बैठने की, किताबों की, बिजली की, इंटरनेट की? कोई नहीं थी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया सिस्टम था, अगर कोई कमी होती थी तो बहन जी थी वो सब दूर कर देती थी जी। चरखी दादरी जिले के बोंदकला गांव में इस पुस्तकालय ने लगभग 20 बच्चों को रोजगार दिया है, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगर इसी तरह से जो पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, अगर वो बच्चों को इसी तरह से रोजगार देते रहेंगे तो हमारा जिला भी विकास करेगा और जो परिवार के बच्चे इस तरह से कामयाब हो रहे हैं उन परिवारों का भी विकास होगा। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।